वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक शर्मा। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। सो आज है 27th of November एंड टाइम शाम के 6 बज रहे हैं एंड मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो मैं ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लास्ट ब्लॉग विच आई रिकॉर्डेड वॉज ऑन 24th of October यानी दिवाली। बट उससे जस्ट पहले मैं ट्रिप पे गया था, जो कि ब्लॉग्स आप अभी देख रहे थे रिसेंटली तक, वो मैंने थोड़े लेट पोस्ट करे। बट हाँ, लास्ट रिकॉर्ड करे हुए 1 महीने ज़्यादा हो गया यार। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इट्स समथिंग रिलेटेड टू मेरी पुरानी वीडियो। अब कौन सी पुरानी वो तो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो हाँ, जो पैकेट है जो मुझे चाहिए इस वीडियो के लिए, वो अभी 5 मिनट पहले डिलीवर हुआ है। तो मैं वेट कर रहा था कि ये पैकेट डिलीवर होए एंड देन मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट करूँ। बट अभी आई हैव अ मैच इन 40 मिनट्स। मुझे जाना है गौर सिटी स्टेडियम, क्योंकि मेरे घर से अराउंड 1 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। सो 5 मिनट्स लगते हैं, थोड़ा भीड़ होती है वरना तो और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो अभी अपना किट बैग वगैरह रेडी करूँगा, चेंज करूँगा एंड देन आई लीव फॉर दैट। एंड आके साथ में करेंगे इस पैकेट को अनबॉक्स एंड क्या है वो आपको पता चल जाएगा। एंड जो पुरानी वीडियो होगी उसका लिंक मैं आगे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वरना तो आपको अभी पता चल जाएगा बटन से। हाँ तो चलो। सो भाई आज है संडे, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद वीकेंड्स क्योंकि बहुत लंबी क्लासेस होती हैं। बट आई हैव अ मैच, सो इस बात की खुशी है। अब मैं बस जा रहा हूँ अपने रूम में क्योंकि मुझे करना है बैग पैक एंड देन चलते हैं। तो भाई आई एम रेडी फॉर माय मैच एंड अब जाते हैं। मम्मी पापा को सी ऑफ करता हूँ एंड देन चलते हैं मैच के लिए। 6:30 हो गए हैं, 6:35 हो गए एक्चुअली। घर पहुंच गया था, फिर पापा ने एक छोटा सा काम दिया था तो आई जस्ट फिनिश दैट क्विकली। अब मैं जाऊंगा शार लेने एंड देन करेंगे उस पैकेट की अनबॉक्सिंग, ठीक है? तो आई सी यू इन 3, 2, 1। सो गाइस, मैं शार लेके फ्री हो गया हूँ। अब करते हैं इस पैकेट को अनबॉक्स एंड आपको पता चलेगा इस वीडियो में चैलेंज क्या है। फाइनली मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये तो बिल है। रेडी 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 रेडी। सो ये रहा। सो जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट चैलेंज वीडियो में देखा था, मैंने एक टारगेट सेट करा था आप लोगों के लिए कि इफ यू गाइस गिव मी 100 likes और 1000 views तो आई विल डू द 3x स्पाइसी, जो कि स्पाइसीस्ट नूडल है वर्ल्ड का। लास्ट टाइम मैंने 2x किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में अभी लिंक दे दूंगा, आप उसको देखना। तो चलो अब इसे जल्दी से कुक करते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसको डिटेल्ड कुक करना दिखाया था कि इसे कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में शॉर्ट रखेंगे, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर आपको देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख के सीख सकते हैं, वरना मैं पीछे इसके हाउ टू कुक वाले मैनुअल की फ़ोटो ऐड कर दूंगा अभी स्क्रीन पे, तो आप पॉज करके देख लेना। एंड इसमें है 560 कैलोरीज और 14 ग्राम्स प्रोटीन है और मच इट यार, हमें तो प्रोटीन से मतलब है। भाई पिछली वाली रेड थी तो पूरी ब्लैक है। ये स्मेल करने में बहुत तीखी है, थोड़ी सी फिंगर पे लग गई। लेट्स टेस्ट इट। डेड स्पाइसी भाई, डेड स्पाइसी। अरे स्विश मैंगो करते हैं वीडियो। फाइनली मैंने नूडल्स कर लिए हैं कुक। ये है 3x स्पाइसी नूडल्स, स्पाइसीस्ट नूडल्स हैं एंड मैंने इसकी थोड़ी सी सॉस टेस्ट करी थी, बहुत स्पाइसी है। तो मैंने अपने लिए मिल्क, बनाना, पीनट बटर रख लिया है भाई पहले ही प्रिकॉशंस के लिए। बट चैलेंज तो यही है कि आई हैव टू ईट इट ऑल, उसके बाद ही आई कैन ईट समथिंग। बट इन केस अगर बीच में छोड़ा चैलेंज तो फिर आई हैव प्रिकॉशंस इन फ्रंट ऑफ माई सेल्फ। तो चलो अब करते हैं चैलेंज को स्टार्ट।
सो भाई फाइनली करते हैं चैलेंज को स्टार्ट। 10 मिनट्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ अपने फ़ोन में, हाथ मुझे 10 मिनट्स के अंदर फिनिश करना है। सो 3, 2 विश मी लक। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। मैंने तोड़ा नहीं था इसको, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रिंग है। रिएक्शन बता रहा होगा ये कितनी स्पाइसी है। अंडर एस्टिमेट कर लिया था 2x के बाद ये 3x भी कितने होगा। दिस इज समथिंग। 1 मिनट होने वाला है, मैंने 1 बैग खाई है बस। लेजिट स्वेट आना स्टार्ट हो गया, इतनी ठंड हो रही है दिल्ली NCR में भी। भाई अब तो बट एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप इसे कंटिन्यूसली खा रहे हो ना तो थोड़ा सा स्वीट फ्लेवर आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं जैसे कि आप ले रहा हूँ 2 मिनट लग रही है बहुत ज़्यादा, बट कंटिन्यूसली खाने में इतना पता नहीं चल रहा। फाइव मिनट्स डाउन एंड मैंने ऑलमोस्ट खा लिया है, 6-7 बाइट्स बची हैं बस। आई फिनिश इट। माउथ के अंदर ना सेंसेशन हो रही है, आई हैव 3.5 मिनट्स लेफ्ट, 3-4 बाइट्स बची है बस। डन एंड आई स्टिल हैड 2 मिनट्स 47 सेकेंड्स लेफ्ट। So, मैंने अराउंड 7 मिनट्स 15 सेकेंड्स के अंदर खत्म कर दी। तो इट्स रेडी स्पाइसी, पहले मैं रूप पी रहा हूँ, यू कैन सी मेरे फेस से। ओ भाई, गिव मी 2 मिनट्स। लेजेंड पसीना से टपक रहा है ना, बहुत आंसू भी नहीं रुक रहे। ऑलमोस्ट 60-70% खत्म कर दी स्पाइसी फीलिंग जो आ रही थी, बट स्टिल इट्स वेरी स्पाइसी राइट नाउ। भाई अब क्लोज अप देखो, आंखें लाल, रनिंग नोज, पसीना टपके जा रहा है, बहुत स्पाइसी है। आई जस्ट हैव शुगर नाउ। मिल्क और बनाना ख़त्म करने के बाद बहुत मिर्च लग रही थी एकदम से। 1 मिनट तो मैंने कंट्रोल किया, कैमरा बंद कर दिया था, बैठने की हालत ही नहीं हो रही थी। फिर 1 मिनट तक ऐसी पेन में रहा, वो स्पाइसी बहुत स्पाइसी फीलिंग थी, थ्रोट जल रहा था, लिप्स और माउथ, वही मैं कह रहा था ना, जैसे माउथ में मतलब शिवरनेस फील हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी तक मैं नॉर्मली नहीं बोल पा रहा, अब शुगर खाइए, अब थोड़ा नॉर्मल हो गया, माउथ का फ्लेवर ठीक हो गया, बट रनिंग नोज और पसीने आए जा रहे हैं अभी तक। सो गिव मी 2 मिनट्स, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। गाइस आई एम फाइन नाउ, इट्स ऑल कूल, बस लिप्स में थोड़ा सा स्पाइसी फीलिंग आ रही है, मतलब जलन मच रही है। 2 मिनट्स 47 सेकेंड्स बचे थे, आई फिनिश दिस चैलेंज। अभी 1 घंटे के लिए मैं लगा रहा हूँ कैमरे को चार्ज पे, क्योंकि उसके बाद है जर्मनी वर्सेस स्पेन, मज़ा आने वाला है। दोनों काफ़ी अच्छी टीम है, स्पेन तो भाई लास्ट मैच 7-0, माय गॉड दैट वाज लाइक फैबुलस बाय स्पेन। सो चलो कैमरे को चार्ज पे लगाते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड आपसे मिलते हैं किक ऑफ से जस्ट पहले। बहुत लगी हो आप लोग कि आप लोग चिकन नहीं खाते, तो आप लोग ये नूडल्स नहीं खा सकते थे, वरना तो आई एम प्रीटी श्योर मैं फोर्स करके खिलाते ही, बट बच गए आप लोग। आई हैव अ वेरी गुड टॉलरेंस फॉर स्पाइसी फूड। ओके भाई, टॉलरेंस तो मेरी भी है, 2x स्पाइसी में ऐसे खा गया था मक्खन की तरह, और इस बार वाट लग गया। इसमें स्पाइसीएस्ट नूडल्स है भाई, मजाक थोड़ी है। मैं अपने में 2 चम्मच एक्स्ट्रा हरी मिर्च डाल दूंगी और लाल चिली पाउडर। दो चम्मच हरी मिर्च डालोगे? 2 चम्मच दो हरी मिर्च और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। चिकन फ्लेवर्ड है, इसके अंदर चिकन तो होता नहीं है, ड्राई चिकन फ्लेवर्ड होता है, चिकन मसाला भी तो डल जाता है सब्जियों में, कुछ नहीं होता, खा सकते हो भाई। राम राम। इफ यू ईट 3x स्पाइसी, हरे कृष्णा मैं तो खा रहा था, मेरे सामने तो मत करो अभी। चलो कैमरे को लगाते हैं चार्ज पे एंड मिलते हैं 1 घंटे बाद। Tougher opposition in Germany. Half of the players on the pitch are from
भाई हाफ टाइम हो चुका है, अभी तक स्कोर 0-0 चल रहा है। स्पेन पूरा डोमिनेट कर रही है अच्छे से जर्मनी के ऊपर। अब हाफ टाइम है तो ब्रेक चलेगा 15 मिनट का एंड देन सेकेंड हाफ कंटिन्यू होगा। आई ट्रूली विश कि स्पेन जीते। जोड़ी एल्बा का क्रॉस और मोराटा जो कि अभी अभी सब्स्टिट्यूटों के अंदर आया था 5-6 मिनट पहले और उसने गोल भी मार दिया थे भाई। तो 62nd मिनट पे स्पेन ने लीड ले लिया एंड आई विश एक दो गोल और आए यार, क्योंकि एफर्ट इतना सही है, डोमिनेट कर रखा है पूरे गेम को, एक दो गोल और आने चाहिए स्पेन के लिए। भाई खाना खाए हुए मेरे को अभी से 2 घंटे हो जाएंगे, इतने सारे नूडल्स खाए थे और वो तो थिक भी होते, नॉर्मल मैगी जैसे नहीं होते, मुझे फिर भूख लग रही है। बट लकीली मैंने मम्मा से एक्स्ट्रा चपाती बनवा ली थी, सो चलो खाना गर्म करता हूँ एंड आई हैव माय डिनर एंड एंजॉय द गेम। सो फॉर डिनर आई हैव कैप्सिकम एंड पनीर विद चपाती एंड आई एम वॉचिंग मैच साइड बाई साइड। तो खाते हैं जल्दी से, बहुत ज़्यादा तेज भूख मुझे लग गई थी, तो आज तक ठीक है भाई हिम्मत करके ले आते हैं। सो चलो आई जस्ट फिनिश ऑफ माई डिनर क्विकली। भाई जर्मनी ने लेट इक्वलाइजर मार दिया है, टाइम देखो 82। भाई ड्रॉ पे गेम ख़त्म हो गया, थोड़ा बुरा लग रहा है, स्पेन को जीतना चाहिए था बट आई चोके। बट लास्ट के 20-25 मिनट्स में जर्मनी वॉज प्लेइंग अमेजिंग, लाइक इतने अटैच बना रही थी, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी स्पेन के ऊपर। सो इट वॉज अ फेयर गेम, दोनों टीमें काफ़ी अच्छा खेली, बहुत इंटरेस्टिंग गेम रहा। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, सो यू विल गेट मोर अपडेट्स ओवर देयर। सो या लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सो जस्ट गो सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यस लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना चैनल पे। सो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और चैलेंज में मज़ा आया हो, मैंने तो चैलेंज कम्प्लीट कर दिया। And next challenge क्या करना है ये आप मुझे बता सकते हो comments में। So until then, see you guys, take care, bye bye.